हिंदुत्व एक्टिविस्ट चैत्रा कुंडपुरा ने बीजेपी का टिकट दिलाने के नाम पर उद्योगपति से ठगे 4 करोड़, हुई गिरफ्तार। हिंदू कार्यकर्ता चैत्रा कुंडपुरा शुक्रवार को सिटी सेंट्रल क्राइम ब्रांच कार्यालय में पूछताछ के दौरान बेहोश हो गई। चैत्रा कुंडपुरा पर आरोप है कि उन्होंने एक व्यवसायी से 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भाजपा का टिकट दिलाने का वादा कर धोखा दिया। इस आरोप में चैत्रा कुंडपुरा की गिरफ्तारी हुई है। बेहोश होने के बाद आरोपी को विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चैत्रा का ICU में इलाज चल रहा है। चैत्रा मुस्लिम विरोधी बयानबाजी के लिए भी जानी जाती हैं। चैत्रा एक टेलीविजन एंकर थी जो बाद में कट्टर हिंदू अति दक्षिणपंथी कार्यकर्ता बन गई है। वो मुस्लिम विरोधी लहजे वाले उग्र भाषणों के चलते चर्चा में आई। चैत्रा तटीय कर्नाटक में काफी लोकप्रिय हो गई है। चैत्रा ने कथित लव जिहाद के खिलाफ अभियान चलाया था। बीजेपी ने चैत्रा कुंडपुरा से दूरी बना ली है। पूर्व CM बसवराज बुम्मई ने कहा कि भाजपा और कुंडापुरा की गिरफ्तारी के बीच कोई संबंध नहीं है। मामले की व्यापक जांच होनी चाहिए, जो भी इसमें शामिल है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। सोशल मीडिया पर चैत्रा की गिरफ्तारी को लेकर जनता ने भी प्रतिक्रिया दी है। ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने कहा, बेंगलुरु CCB पुलिस ने पूर्व ABVP सदस्य और हिंदुत्व कार्यकर्ता चैत्रा कुंडपुरा को गिरफ्तार किया, जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषणों के लिए जानी जाती है। शिकायतकर्ता के अनुसार चैत्रा और कई अन्य लोगों ने उस व्यक्ति को धोखा देने के लिए RSS नेता का रूप धारण करने वाले एक व्यक्ति को काम पर रखा था। उन पर भाजपा के टिकट के इच्छुक एक उम्मीदवार को भाजपा का चुनाव टिकट दिलाने का वादा करके 5 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप है। पत्रकार प्रज्वल ने लिखा, ये चैत्रा कुंडपुरा जैसे नफरत फैलाने वाले हिंदुत्व नेताओं की वास्तविकता है, जो नियमित रूप से मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण देते हैं। जब इसके खिलाफ FIR दर्ज की गई तो ये एक मुस्लिम महिला के घर पर छुपी हुई थी। एक शख्स ने पूछा, क्या ये BJP RSS का सिखाया हुआ सनातन है? ये दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। वरिष्ठ पत्रकार राजेश मंगल ने कहा, ठगी में 4 करोड़ ले लिए तो सोचो कि असली टिकट देने के लिए कितने वसूलते होंगे। एक यूजर ने लिखा, वो काजल हिंदुस्तानी का भी बायोडाटा देखना चाहिए, उसका भी कुछ ऐसा ही निकलेगा। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट में जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, ताकि राजनीतिक गलियारों से जुड़ी हर वायरल अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें।